हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे नाइजर बीज की चटनी। यह है नाइजर बीज, आपको पता होगा ये थोड़े लंबे लंबे टाइप के होते हैं और काले कलर के होते हैं। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। यह है नाइजर बीज, इसको कहीं कहीं कराल बीज या तो कारल बीज भी बोलते हैं। तो कुछ भी हो, बिल्कुल सेम प्रोसेस में आप चाहे तो कलौंजी की चटनी भी कर सकते हैं। इसी प्रोसेस में कलौंजी की चटनी भी बहुत ही बढ़िया लगती है। चलिए फिर इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं क्या लगता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने नाइजर बीज लिया है 1/4 कप, और जितना नाइजर बीज थे उतने ही सेम क्वांटिटी में मैंने लहसुन लिए है और अपने स्वाद के हिसाब से सूखी लाल मिर्च ले ली। मुझे थोड़े ज़्यादा लहसुन वाली चटनी पसंद है, मतलब ये नाइजर सीड की चटनी। तो आप चाहे तो लहसुन की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पसंद के हिसाब से। अब चलिए कढ़ाई के और मैंने एक कढ़ाई बिठाया इंडक्शन पर और हीट चालू कर दिया। मैंने मीडियम टू लो पर रखा है हीट को, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून साबुत जीरे, और इसके साथ साथ जो मैंने लिए थे नाइजर सीड्स ये भी हम डाल देंगे। 1/4 कप है यहाँ पर, तो मीडियम टू लो पर हीट को रखकर लगभग 6-7 मिनट के लिए हम भून लेंगे, जब तक कि अच्छे से भुनी हुई खुशबू ना आए और ये जो नाइजर बीज है ये फटने की आवाज़ ना आए, चट 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 आवाज़ होगी। जैसे कि हम मूंगफली भूनते हैं तब स्प्लिट होने की आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसी आवाज़ आनी चाहिए। तो हमारे यह नाइजर बीज भूनकर तैयार हो चुके हैं, यहाँ पर मैंने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और इसी कढ़ाई में हम लहसुन और सूखी लाल मिर्च को भी डाल देंगे। लहसुन कोई कोई कच्चा भी डालते हैं, लेकिन मुझे कच्चा लहसुन की चटनी इतनी पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। लहसुन और मिर्ची को एक साथ मिला के 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे। हीट को मीडियम पर रखा है मैंने, लो टू मीडियम पर। यह देखिए, लहसुन के ऊपर पिंक कलर के थोड़े थोड़े स्पॉट्स दिख रहे हैं, मतलब हमारा लहसुन तैयार हो चुके हैं। ज़्यादा भुनना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए इतना तक भुनना है। देखिए, मैंने निकाल लिए हैं, इनको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैंने लिया है छोटा सा एक मिक्सर जार, इसमें पहले हम लहसुन और मिर्ची डाल देंगे। चाहे तो आप खाली मिर्ची अलग से करके पीस सकते हैं, उसके बाद बाकी सब कुछ डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, मिर्ची बहुत अच्छे से पीस जाएगी, मतलब दाने भी पीस जाएंगे, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने लहसुन मिर्ची एक साथ पीस लिया है। और अभी हम इसके अंदर नाइजर बीज को डाल देंगे, चम्मच से थोड़ा मिला देंगे, चला देंगे। और अभी हम पीस लेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो नमक भी डाल सकते हैं, मैं भी डाल लेती, लेकिन एक्चुअली मैं भूल गई थी यहाँ पर नमक डालना, तो बिना नमक डाले मैंने पीस लिया है, आप देखिए। और मिक्सर को बिल्कुल लगातार नहीं चलाना है, थोड़ी देर चलाना है, बंद करना है, ऐसे रोक रोक कर चलाना है। इससे क्या होता है, चटनी कोर्स बनती है, मतलब कि हम जैसे चाहते हैं, जैसे कि दर दरा सा बोलते हैं ना, वैसा होता है। तो इसके साथ अभी मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। इस चटनी में नमक और मिर्ची दोनों ही ध्यान रखना चाहिए, दोनों का स्वाद बिल्कुल परफेक्टली आना चाहिए, सही सही आना चाहिए, तभी चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। देखिए, नमक डाल के मैंने फिर से एक बार चला लिया है, और अभी हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। अभी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। मैंने थोड़ी सी बनाई है, आप चाहे तो ज़्यादा करके बनाकर स्टोर करके खा सकते हैं। बिना फ्रिज के इस चटनी को आप 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके खा सकते हैं, और नॉर्मल फ्रिज में आप चाहे तो 5 से 6 महीने के लिए स्टोर करके खा सकते हैं। एयरटाइट डब्बे में भर के रख दीजिए। देखिए दोस्तों, हमारी चटनी बिल्कुल बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। इस चटनी को किसी भी खाने के साथ परोसिए, नॉर्मल रेगुलर खाने के साथ परोसिए थोड़ा थोड़ा करके, या तो आप चाहे तो गरम गरम चावल के साथ थोड़ा सा घी या तो थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के थोड़ी सी चटनी मिलाकर उस चावल को आप खा के देखिए, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो नॉर्मली जैसे हम चटनी खाते हैं रोटी सब्जी चावल सब्जी के साथ, वैसे भी खा सकते हैं, या तो चावल के साथ मिलाकर भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इस सिंपल सी चटनी की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, और अगर ट्राई करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी।
और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।